क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या सिर्फ भारत की वजह से आप यूएई में जो है वो नहीं जी यूएई में नहीं जा रहे हैं सर, आपको क्या हो गया, आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप। भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा, क्या करना चाहिए इस वक्त? इसी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें कहो कि आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। अब वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। वो तो बहुत आखिर की बात होगी ना यूएई में, अभी तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रहना चाहिए कि हमने उसकी मेजबानी करनी है, यूएई में जाने का तो मतलब ये है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लाखों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग पाकिस्तान के हैं, लाखों शायकीन है क्रिकेट है उसमें, करोड़ों शायकीन है, लाखों लोगों ने स्टेडियम में आकर देखना है, उनको किस चीज की सजा है? अभी जैसे असम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें तो पाकिस्तान को किस चीज की उसमें सजा मिलनी चाहिए? पीसीबी की तरफ से अब ये कल हेलम अफेयर में बात हो रही है आईसीसी के हलकों में भी कि इंडिया पाकिस्तान आके जो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी, तो अगेन उन्होंने डिस्कशन शुरू हो गई है कि हाइब्रिड मॉडल पे बात करें, कुछ ऐसा सोचा जाए। अब ये जो मैनेजमेंट है इसको अपना कुछ पता नहीं है कितने दिन के लिए है और तमाम अफेयर को डील करें, ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है, देखें 1996 के बाद या मेरा ख्याल आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद, तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है कि उनको आईसीसी के इवेंट्स मिले? इस दौरान आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए, ये एक्चुअली आईसीसी बने, जब ये पहले टीसीसी भी होती थी, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, इसको चाहिए एक्चुअल आईसीसी क्रिकेट बने और किसी को साइड ना दे। जब चैंपियनशिप की ट्रॉफी की बात आती है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी 72 मिलियन डॉलर्स की बात, मैं कह जी 72 मिलियन डॉलर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इज्जत और गैरत। हिंदुस्तान आपको इस तरह कर रहा है कि हमने इनसे नहीं खेलना, हम इनसे वहाँ नहीं खेलेंगे, और भाई तुम कौन हो? हम पाकिस्तान है, हम खेलेंगे अपने उसके टर्म्स के साथ, हम आपके टर्म्स के साथ नहीं खेलेंगे। अरे अरे भाई वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी तो आपने सिर्फ पाकिस्तान मीडिया का छोटा सा ट्रेलर देखा है, असली मजा तो आगे पूरी वीडियो में है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान मीडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर चिल्ला रहा है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है। बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह का कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। तो इस पर पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रहा है कि हमने तो अपनी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया भेजी थी, तो आप अपनी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहे? इसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज आईसीसी के नुमाइंदों से बात करने गए हैं कि हमें भारत लिख कर दे कि हम पाकिस्तान आएंगे ताकि हम अपने स्टेडियम तैयार कर लें। दोस्तों एक तो पीसीबी के चेयरमैन साल में 4 दफ़ा बदलते हैं, इनसे अपना क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल में नहीं है, तो ये चैंपियन ट्रॉफी कैसे होस्ट करेंगे? सिर्फ 4 इनके पास स्टेडियम हैं और वो भी किसी काम के नहीं। तो खैर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया के इस पर रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह के अपडेट। ठीक है, दुनिया की तमाम टीमें तमाम टीमें अगर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आकर खेल रही हैं, सीरीज आकर खेल रही हैं, नेपाल आकर खेल गई है, विमेन टीम्स आकर खेल गई हैं यहाँ पर, बच्चे आकर खेल गए अंडर 19 के, मतलब जो कोई किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं ना तो सबसे पहले आप ये देखते हैं बच्चों के हवाले से और खवातीन के हवाले से क्या वहां पर अमनो अमान के इंतजाम हैं, बच्चों को खवातीन को किसी भी तरीके से कोई खतरा तो नहीं होगा। जब बच्चों को कोई खतरा नहीं है अल्लाह की रहमत से, जब इंतजाम इतने हैं कि खवातीन यहां पर गैर मुल्की आकर खेल रही हैं, तो आप अपने कैसे रोक सकते हैं बाकी सब मुल्कों को? प्लेयर्स को खुद एतराज नहीं है, यही अब आईसीसी को जो कि उनको होश के नाखून लेना पड़ेंगे कि आए और इसका सामना करें और उनको कहें कि आप जाएं, हमने उनको टूर्नामेंट दिया हुआ है और आपको वहां पर जाकर खेलना है, अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर आप उस साइड पर बैठें,
अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं आते हैं तो सब की सब टीमें वहां पर ले जाएं, ये एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड पर जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में खेले हैं। अब ये दलील नहीं है कि आप ना आए, आपके पास कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता कि आप ना आए। अब ये जो मैनेजमेंट है इसको अपना कुछ पता नहीं है कितने दिन के लिए है और तमाम अफेयर को डील कर रहे हैं, ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया, ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है इसकी जो तकसीम है फंड्स की उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, इवेंट भी, मुझे खतरा यही है क्योंकि वीक मैनेजमेंट और वीक पाकिस्तान की क्रिकेट के फील्ड पर परफॉर्मेंस जो है ना वो हेल्प नहीं करेगी आपको एक तरह से वर्ल्ड टेबल क्रिकेट के टेबल के ऊपर आपको वो जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप डील नहीं कर सकते वर्ल्ड क्रिकेट में। फिर तो आपको अप करनी है अपनी गेम। आपने सही कहा, इनका खुद पता नहीं है ये क्या करना चाह रहे हैं, कितनी देर तक हैं ये, ऊपर से ये यू नो प्रेशर डलवाते हैं कि जी हमारे, क्योंकि खुद तो ये हर 15 दिन के बाद पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पे क्रिटिसिज्म भी ना हो और क्रिटिसिज्म रोकने के लिए तड़ियां लगवाते हैं। तो ये इस तरह से ये अगर क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं तो ये फूल्स पैराडाइज में जिंदा है और इनको बार बार ठोकर लगेगी। और अगर आपकी स्ट्रांग मैनेजमेंट नहीं होगी, जिसको क्रिकेट की समझ हो, इनको क्रिकेट की समझ नहीं है, ये किसी दूसरे के हाथ में क्रिकेट लर्न कर रहे हैं ऑन द जॉब। का डर था वो होता नजर आ रहा है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है अगले साल, अभी से बातें शुरू हो गई है। भारत जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वहां से खबरें आना शुरू हो गई है कि वो नहीं आने वाले। उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सवालों को टाल देते हैं, बीसीसीआई की मैनेजमेंट गवर्नमेंट के ऊपर सारा का सारा दारोमदार डाल देते हैं। दोबारा से कहानी बदलती नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, क्या पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये बहुत बड़ा फैसला। हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं सेशन के अंदर, आप हैरान हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहली चीज, चेयरमैन मोहसिन नकवी भागे भागे गए हैं आईसीसी के पास मीटिंग करने, निकल चुके हैं वो दुबई के लिए, वहां पे दो दिन की मीटिंग होगी, उसके बाद पीएसएल 9 के फाइनल के लिए दोबारा वापस आएंगे। अब इस मीटिंग में वो क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी यह है कि जो खबर ही आई है, किसी तरीके से खबर आई है अंदर से, आई है इंडिया के अंदर से, वो लोग ये कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आने वाला। जी हाँ, भारत पाकिस्तान नहीं आने वाला, जो कि आप इससे समझ लें, अगर इंडिया नहीं आएगा, इंडिया के पीछे पीछे दो से तीन ममालिक वो भी कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं जा रहे, हालांकि सारे होके जा चुके हुए, इंडिया को भी आना चाहिए। फिर दूसरी ये चीज आ रही है कि इंडिया की तरफ से किसी ने ये खबर चलाई है कि जिस तरह से एशिया कप के अंदर इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत हुए थे, उसी तरीके से वर्ल्ड कप के भी, वर्ल्ड कप कह रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत, और इंडिया जो है वो अपने मैचेस होम ग्राउंड में खेले या वो यूएई दुबई के अंदर अपने मैचेस खेले। क्या मतलब कि होम ग्राउंड यानी इंडिया के अंदर अपने मैचेस खेले या यूएई के अंदर अपने मैचेस खेले, ये इंडिया की तरफ से पेशकश आई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हाइब्रिड मोड के ऊपर जाएंगे तो काफी सारी टीमें बीच में काम खराब करेंगी, और साफ सी बात है अगर इंडिया पाकिस्तान ही आएगी तो चैंपियंस ट्रॉफी तो फ्लॉप हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का